करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा। क्या बात है, करूं तेरे नाम, करूं मेरे आका, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं 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 जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जजाए खैर दे मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह। क्या करूँ, क्या करोड़ों सिर्फ जान नहीं दो जहां फिदा करो, फिर दो जहां भी फिदा करने के बाद मेरा जी नहीं भरा, क्या करो अगर करोड़ा जान भी होते तो भी तुम पर कुर्बान कर लेता। ये है मोहब्बत, ये है इश्क का तकरीबान। जब हुजूर हमारी जानों की भी जान है तो जान उन्हीं पर कुर्बान करनी चाहिए, उन्हीं पर कुर्बान करनी चाहिए। यही हमें अबू बकर सिद्दीक ने गार में सिखाया, यही बात हमें अबू बकर सिद्दीक ने गार में तवज्जो है। जब जान हुजूर की वजह से है, जब हमारी जान हम मुस्तफा नहीं बल्कि जानों की जान है, तो ये जाने हुजूर पे कुर्बान करनी चाहिए, हुजूर के नाम पे कुर्बान करनी चाहिए। यही बात हमें गार में यारे गार ने सिखाई, प्यार से आवाज आए। यही बात हमें गार में यारे गार ने सिखाई। जब हिजरत की रात आई मेरे मुस्तफा कहीं नहीं गए, सीधे अबू बकर के दरवाजे पर गए। अल्लाह, अबू बकर निकलना है, हुजूर निकल, ये नहीं कहा मेरी बेटियां हैं, ये नहीं कहा मैं बेटियों का क्या करूंगा, मैं बच्चों का क्या करूंगा, मैं औलाद का क्या करूंगा, आपके साथ जाऊंगा इनको यहाँ छोड़ करके क्या करेंगे, दुश्मन है कुफार है, मारेंगे पीटेंगे लूटेंगे। जब हुजूर ने कहा निकलना है तो अबू बकर ने मुड़ कर भी नहीं देखा घर की तरफ, जरा प्यार से नहीं बोल रहे आप, दीवानगी का सबूत दे दीजिए, मुड़कर की भी नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, हुजूर बच्चों का क्या बनेगा, का परवाने को चरा, परवाने को चरा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। दावाए ईमानी तो हमारा बहुत है, दावाए मोहब्बत तो हमारा बहुत है, लेकिन मोहब्बत के तराजू पे क्या हम उतरते भी है कि नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। माफ करना, बुरा ना मान, बहुत मुश्किल बात है। जबान तो हम बहुत चलाते हैं लेकिन हुजूर के लिए हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जहां हम हुजूर के लिए बढ़ाने के लिए कहते हैं वहां हमारे जवान पीछे भागे। और दावा हमारा मुसलमानी का है, दावा हमारा ईमान का है, दावा हमारा गुलामी रसूल का है, हमारा कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये दावा हमारा। नौजवान बुरा ना माने, मैं नसीहत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, दावा हमारा है कि नबी का दामन नहीं छोड़, लेकिन मेरी मौजबाना गुजारिश अपने जवानों से, ये नारा लगाने वाले पहले सोचे क्या हमारे हाथ में हुजूर का दामन है भी कि नहीं है। जिनके हाथ में हुजूर का दामन होगा उनको कोई नहीं खरीदता, सुभान अल्लाह, उनके वजूद पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। जरा समझे बात को, प्यार से सुभान अल्लाह कह दे, मेरी बात आप समझ रहे हैं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बिलखसूस मेरे नौजवानों को समझ आ जाए, जिन्होंने हुजूर का हाथ थाम थामा होगा, हुजूर का दामन जिन्होंने थामा होगा, ये मुमकिन ही नहीं कि उनको कोई खोटे में खरीद सकता है।
क्या बात है, ये मुमकिन ही नहीं कि वो हवा की एक झोंक से इधर से उधर चले उधर जिनको मुस्तफा ने अपने दामन में छुपा लिया होगा, ये मुमकिन ही नहीं कि उनके वजूद पर किसी का रंग चढ़ सकेगा जिन पर रंगे मुस्तफा चढ़ गया होगा। नहीं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, मेरे आका तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। अनमोल के माने अब किसी की मजाल नहीं कि इसका इसकी कीमत लगा सकता, अब किसी की मजाल नहीं दुनिया में कि सच्चे गुलाम रसूल को खरीद सकेगा, क्योंकि मुस्तफा के दरवाजे पे सौदा हो चुका है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा नारा लगाने से पहले सोच लेना क्या हमने हुजूर का दामन भी थामा कि नहीं थामा। अब ये आप खुद समझ जाएंगे, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरी घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही है तफसील में जाने का, खुद समझ जाएंगे। जो मुस्तफा का दामन जिसने थामा होगा क्या वो बेनमाजी हो सकता है? कभी हुजूर ने नमाज छोड़ी? नहीं बोल रहे आप, बोल रहे बुरा मत मानिए, मैं नसीहत कर रहा हूँ, इसके बगैर कोई चारा नहीं मुसलमानों के लिए, यही बस एक रास्ता है। अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे और नमाज भी नहीं, अपने आप को मुसलमान भी कहें और शरीयत मुस्तफा भी अपनाएंगे, अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे और हमारे घरों में गैरों के तरीके रस्म रिवाज बुराई दहे ढोल बाजे ताश न जाने क्या क्या बाबा, अपने आप को मुसलमान कहेंगे हुजूर के दामन के साथ जुड़े हैं, शराब पी के गंदी नालियों में पड़ेंगे, नशा करके हमारे जवान अपना अपनी शनाख्त भी खत्म हो जाए। शर्म की बात है मुसलमानों के लिए जो शराब पीने वाले होंगे, शर्म की बात है मुसलमानों के लिए जो नशा करके अपनी जिंदगी और अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। मुसलमान अपने आप को इन मजलिसों का वही ऐसी मकसद है, तुम्हें इस बुरी लतपत और जलालत और दलालत और गुमराही और बेरारवी से निकाल करके इंसानी ईमानी आशिकान रसूल की जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि दैबा से मंगाई जाती है, जरा प्यार से नहीं बोल रहे उधर वाले सुनो, आप जिंदा दिली के साथ कह दीजिए ना, अल्लाह का जिक्र आइए, अल्लाह कबूल फरमाए, और दीवानगी के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। से मंगाई जाती है तैबा से, मदीना से, मदीना से है तैबा से भुला मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मई सुभान अल्लाह। माई खाने होते हैं, दुनिया के मैखाने नहीं है, ये इश्क़ रसूल के मैखानों की बात हो रही है, ये बात है नशों के मैखानों की बात नहीं हो रही है, ये उस मैखाने की बात होती है जहाँ से अबू बकर ने पिया है। सुभान अल्लाह। अदरा अदरा प्यार से मोहब्बत से नहीं बोल रहे हैं, जहाँ से फारूक आजम ने पिया है, जहाँ से सैयदना उस्मान गनी ने पिया है, जहाँ से हजरत बिलाल हबशी ने पिया है, जहाँ से मौला अली ने पिया है, प्यार से नहीं बोल रहे हैं, दीवानगी का सबूत दीजिए, जहाँ से हजरत सलमान फारसी ने पिया है, ये वो मैं अल्लाह करे हमें इस मैखाने से एक कतरा अता फरमाए। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है।